अमित भवसार हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। अमित भाई, क्या सवाल है बताइए। हेलो जी। हाँ, ये मेरे पास अभी विप्रो का 73 है 456 के रेट पे, तो उसको होल्ड करना चाहिए या एवरेजिंग करना चाहिए, वो जरा बताएंगे प्लीज। कितने दिन तक आप होल्ड कर सकते हैं अगर करना पड़े तो? एक आध महीना बस, या डेढ़? हाँ, 1.5-2 महीना। और गावा से मैक्सिमम 2 मंथ। और टू भाव मंथ चाहिए हमको कम से कम 456 से ऊपर का। मिलेगा? दोनों अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक ही कंट्रोल में अपने हैं जो मैक्सिमम 2 मंथ को निकाल देना। मेरे ख्याल विप्रो आप 2-4 साल रखिए ना, क्या फर्क पड़ता है, मुनाफा मिलेगा। जरूरी थोड़ी क्या विप्रो से पैसा कमाने, जल्दी 2 महीने में कमाने तो निकल जाऊंगा, पैसे की जरूरत छोड़ो ना, होल्ड कीजिए, सेफ है स्टॉक, थोड़ा डिप मिल सकता है बट नथिंग टू वरी, ये आपको लॉस लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं करेगा, ये स्टॉक प्रॉफिट ही दे जाएगा। मेरे हिसाब से मैं तो होल्ड करता है, ऐसे स्टॉक में लॉस नहीं बुक करना चाहिए। हाँ, आड़े तेरे स्टॉक में तो लॉस जरूर बुक कीजिए ना, कि स्टॉक में जो आप इन्वेस्टर बने हैं, इनवॉल्ट्री इन्वेस्टर बन जाएंगे। तो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? नहीं, रुकना पड़ेगा। अब तो रुकना ही पड़ेगा ना, मजबूरी में फंस गए। राइट, थैंक यू थैंक यू। नहीं कोई बात नहीं, चलिए रुकिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा स्टॉक है। अगला एक सवाल लेते हैं और सुहास का, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुहास जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरे पास माल इंट्रा है एट अ प्राइस ऑफ 22.625 शेयर्स, आई कैन होल्ड फॉर 5-6 इयर्स। गावा सर, मन इंफ्रा 22.50 पे उन्होंने लिया था, अभी 82 रुपये पे चल रहा है और उनको कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी रुक सकते हैं रुकने के लिए। बिल्कुल आगे रुकना भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए 75 का, आपकी कॉस्ट इतनी कम है, अगर नीचे टूट जाता है तो प्रॉफिट घर ले जाइए, जो मार्केट को करना है करने दीजिए, आप होल्ड कीजिए, आपको होल्ड करना है बिल्कुल होल्ड कीजिए, लेकिन एक जगह रखिए कहां पर मैं निकल जाऊंगा, वो है 75 ब्रीच, यू आर आउट, डोंट हेजिटेट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।